जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है। कंसीडर ए आयनिक सॉलिड एमएक्स विद एनएसीएल स्ट्रक्चर। आगे बोला है कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर जेड हुज यूनिट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय सेल ऑफ एमएक्स फॉलोइंग द सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन बिलो। रिमूव ऑल द एनायंस एक्स एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। Replace all the face center cations M by anion X and remove all the corner cations M and replace the center anion X with cation M। और हमसे पूछा calculate value of number of anions upon number of cations in Z। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें हमें NaCl स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये यहां ये बोल रहा है कि केटाइन इज एट कॉर्नर, तो अपन आते हैं NaCl जैसे स्ट्रक्चर। अब NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एटम यहां पर, NaCl स्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू कर दूं मैं कि अगर हम किसी एटम को यहां कॉर्नर पे रख रहे हैं तो वही एटम हमारा आएगा फेस के सेंटर्स पे इस तरीके से, और जिस एटम को हम यहां एजेस पे रख रहे हैं एनायन को, मान लीजिए सपोज करो मैं यहां केटायन रख देता हूं, वैसे ओरिजिनली सीएल माइनस होता है, ठीक है ना, और एनए प्लस हम यहां रखते हैं वॉइड्स में। कौन से वॉइड्स में? ऑक्टाहीड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहीड्रल वॉइड जो है वो एनए प्लस कहां कहां होता है? एजेस पर और एक बॉडी सेंटर पे। तो मैंने एक काम किया है, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एनएसीएल की तरह इसको जमाया है। कैसे जमाऊंगा मैं एनएसीएल की तरह कि जिस एटम को मैं कॉर्नर्स पे रख रहा हूं, एट कॉर्नर्स ही हमने बनाए, उसी एटम को मैं फेस के सेंटर पे रख रहा हूं। कितने फेसेस होते हैं? सिक्स। ये जमाने के बाद ये मैंने कौन सा जमाया? एम प्लस। अब मैं ऑक्टाइडल वॉइड्स में किसको जमाने वाला हूं? एनायन को, एक्स माइनस को। ये ऑक्टाइडल वॉइड में एनायन कहां कहां आएगा? हर एज पर। कितने एजेस होते हैं? 12, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहां पर 12 एजेस है। और एक एटम होता है बिल्कुल बॉडी सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाइडल वॉइड, एकदम बॉडी सेंटर में पड़ा हुआ है। तो यदि मैं इफेक्टिवली काउंट करूं तो एम प्लस ओरिजिनली हमारे पास आएगा 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 बराबर 4, और एक्स माइनस आने वाला है हमारे पास 1 एट बॉडी सेंटर प्लस 12 एट एजेस, 1/4 कंट्रीब्यूशन, तो 4 एटम। तो सेम चीज NaCl की तरह हो गई कि एक यूनिट सेल अगर मैंने लिया होता तो M प्लस आता 4 और X माइनस आता 4। NaCl सेम ऐसा ही होता है, Na प्लस 4 Cl माइनस 4। तो क्वेश्चन को करने के पहले NaCl की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने NaCl वाले पैटर्न पर किसको जमाया? MX को। अब क्वेश्चन की जो है इंस्ट्रक्शन वो पढ़ते हैं पर। Remove all the anions X except the central one। Anion कहां कहां है? एक सेंट्रल पर है और बाकी एजेस पर है। तो ये बोल रहा है इन सबको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं ये रिमूव हमें कर देना है एजेस वाले। ये पहली इंस्ट्रक्शन होगी। तो M प्लस जो है ये सारे हमने क्या किए? X माइनस सारे हटा दिए, ठीक है। Replace all the face center cations M by anion X। Face center cation इनको replace करना है by X anion। इसके बाद ये तो replace हो गया। तीसरा instruction है remove all the corner cations। Remove all the corner cations, ये सारे cation हमें हटा देने हैं इसमें से, ये corner वाले atom सारे चले गए। फिर बोल रहा है चौथी instruction है replace the central anion X with cation M। सेंटर एनायन एक्स विद एम, ये रिप्लेस कर देना है, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड हो गया काफी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। एम प्लस एट कॉर्नर आर रिमूव्ड। एम प्लस और कहां था? फेस सेंटर पे, रिप्लेस बाई एक्स। तो फेस सेंटर सिक्स जो है रिप्लेस बाई एक्स है, तो एक्स आ जाएंगे 6 और फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2, तो एक्स की संख्या हो गई 3। एक्स हमारे पास 3 हो गया। अब बोल रहा है कि एक्स माइनस एट एजेस रिमूव्ड, ये एक्स माइनस एट एजेस आर रिमूव्ड, सारे हटा दिए अपन। फिर बोल रहा है एक्स माइनस एट बॉडी सेंटर रिप्लेस बाय एम।
x माइनस बॉडी सेंटर कहाँ होता है, यहाँ सेंट्रल पे, इट इज रिप्लेस बाई m. इसका मतलब x माइनस चला गया, m आ गया, इसकी जगह एक आया, कंट्रीब्यूशन वन, तो m की संख्या हो गई वन. अब सारे एटम हटाने के बाद दो लाइन पे ध्यान रखेंगे कि x आ गया तीन और m आ गया वन, तो टोटल संख्या, और बाकी सब तो हटा चुके हम, तो टोटल संख्या अगर मैं देखूं तो कैटाइन जो है वो वन होगा और एनायन जो है थ्री होगा. पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनायन अपॉन कैटाइन, तो थ्री अपॉन वन इज द आंसर. तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन हम ध्यान से पढ़ेंगे कि एम प्लस को कॉर्नर और फेसेस पे जमाने के बाद एनायन को हमने एजेस पे जमाया, 12 एजेस और एक बॉडी सेंटर. ये क्या बोल रहा है, ये सारे हटा देने हैं, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे एम से, तो एम आ गया वन, ठीक. और फिर ये बोल रहा है कि ये करने के बाद हम यहां पे इसमें ये सारे कोने वाले हटा देंगे m, और जो फेस के सेंटर वाले हैं इनको रिप्लेस कर देंगे बाई x, तो x आ गया 3. तो रेशियो क्या हो गया, x और m का रेशियो 3:1, दिस इज द आंसर, ठीक है. ये तीन